सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज मेरे हाथ पे है जो बिजली फिटिंग की वायर है, सारी हमको ले जानी है नए वाले घर पे, क्योंकि आज से जो बिजली फिटिंग करने वाले हैं वो आएंगे। तो हमने पूरा सामान इस वाले घर पर रखा हुआ था, क्योंकि वहाँ नए वाले घर पर अभी दरवाजे नहीं लगाए थे। वैसे तो हमको स्कूटी से जाना था, लेकिन हम जाएंगे बाइक से ही, क्योंकि स्कूटी में फ्यूल नहीं है। और पता है पिछले दिन की मैंने अभी तक वीडियो एडिट नहीं करी, क्योंकि कल काम इतना ज़्यादा था कि मेरी पूरी कमर में दर्द हो गया था रात को और मैं सीधे सो गया बिना एडिट करे। अभी नए वाले घर पे जाके काम वाले तो लगे रहेंगे और मुझे करना है एडिटिंग। और यहाँ पर टूटा हुआ है, अभी टूटी नहीं। दोस्तों कल रात में बारिश लगी और हमने जो सीमेंटिंग करी थी नए वाले घर में बगल पे, तो वो शायद बह गई होगी। ढकाया तो था लेकिन भरोसा कुछ नहीं, अब देखते हैं क्या हुआ है। आज मुझे यहाँ पे कोई भी काम नहीं करना है, बस मुझे एडिटिंग करनी है। काम वाले लगे हैं और देखते हैं कि जो कल का हमने सीमेंट डाला था वो बचा भी है या नहीं या बह गया। तो ये हुआ था कल कुछ काम, यहाँ पूरा हमने सीमेंट डाला, बचा तो है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब पानी आया तो होगा पर उतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। चलो सही है, अब तो काफ़ी जम भी गया हुआ, लेकिन अभी जमा नहीं, आज दिन में जम जाएगा ये ढंग से। और सामने का मौसम देखिए कितना प्यारा हो रखा, आज भी सेम है कल की तरह। दोस्तों आज का काम कुछ ऐसा है, मुझे तो कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर पिट बना रहे हैं पानी का। लाइट वाले आए हैं हमारे यहाँ काम करने के लिए और उनको चाहिए ड्रम, जिससे कि वो ऊपर मतलब वायर डाल सकें। तो मैं यहाँ पे आया था अपने बगल पड़ोसियों के यहाँ, इनसे ले जाना है एक ड्रम, एक तो हम पे है। तो जहाँ पे मैं गया था वहाँ से मिल गया है ये ड्रम, तो अब ये काम आएगा इस पे ऊपर चढ़ने की। आज भी सामने से देखिए बारिश वाले बादल दिखाई दे रहे हैं, तो सुबह तो ऐसे लग रहा था कि अब मॉनसून चले गया है, लेकिन दिन दिन तक आते आते ऐसा मौसम हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है, साथ ही साथ कुछ कोविड नियमों का पालन करते हुए यात्रा करने की अनुमति दे दी है। यात्रा करने के लिए आपके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए और साथ ही साथ दोनों वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिससे कि आप उत्तराखंड के चारों धामों में दर्शन कर सकते हैं। और कभी कभी दिन भर की थकान के बाद रात को वीडियो एडिटिंग नहीं हो पाती है, तो उसमें टाइम लग जाता है, फिर अगले दिन वीडियो काफ़ी लेट से आ पाती है। जैसे आज के दिन की वीडियो जो आपने इससे पिछले दिन देखी थी वो करीब 5-6 बजे शाम को आई, तो ऐसा ही होता है। बस क्या करें, काम भी ज़रूरी है, वीडियो भी ज़रूरी हैं, सब काम देखने ज़रूरी हैं, यही तो लाइफ है, बिजी रहना ज़रूरी है। तो चलिए जी, आज पानी के पिट की खुदाई भी हो चुकी है और कल यहाँ पे दीवार का काम स्टार्ट कर देंगे उसकी, और हो सकता है कल या परसों तक उसमें उसकी छत भी डाल देंगे। तो चलिए जी, आज का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे मिलने आए हमारे गांव के सब्सक्राइबर, नाम क्या है आपका? दिव्यांशु है। और कितने में पढ़ते हो? 7। ऐसे नहीं बोलना है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जरा जोर से बोलना। 7। हाँ, 7वीं क्लास में पढ़ता है छोटा भाई। तो दिव्यांशु अपना सब्सक्राइबर है, मैंने भी पूछा कि मेरी वीडियो भी देखते हो, तो जी हाँ मेरी वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब भी करा हुआ है, तो देखते रहिए। बढ़िया लगती वीडियो? बढ़िया, मस्त। चलो ठीक है, और अब हम भी चलते हैं घर की ओर, क्योंकि सामने वाली पहाड़ी से भयंकर वाली बारिश आ रही है। के गिरी के वीडियो बनाने अतने वीडियो भी यार दो सच्ची मेनू की मेनू के वे के भाई आलोक राणा हमने कको छू कको छू मैं पाली भाव जो पाली भाव जो मैं तो यहाँ गिरी हुई थी। अच्छा
देखना रहे वा वीडियो वाह ठीक थी तब बाय बाय। एक दिन मैंने कहा था ना कि वहाँ पे छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे आलू काना तो वही थे वो छोटे बच्चे। और अभी उन्होंने बोला कि हमको भी वीडियो में ले लो। इस छोटे बच्चे ने देखो दो माल्टे के दाने निकाल के उसकी गाड़ी बना रखी है। तेनु के वे हाँ गाड़ी कहाँ बड़े तेने आगे बड़े ठीक ठीक यो मिता विदार बड़े थे बाय। और छोटे बच्चे खूब देखते हैं मेरी वीडियो और वीडियो में आने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं तो अच्छी बात है। अभी हमको हार्डवेयर की दुकान में जाना है, वहाँ से 4 कट्टे सीमेंट का पेमेंट करना है जो कल सुबह ले आएंगे घर तक। हाँ तुम तो बिगाड़ दो गाड़ दो देखना रहे वाह वीडियो गाड़िया मीन तुम। तो यहाँ लोकल में भी काफ़ी लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं और मुझे जानते हैं तो अच्छा लगता है कि लोग मेरे काम को देख के मुझे जानते हैं। तो यहाँ से 4 कट्टे सीमेंट का पेमेंट करते हैं ठीक ठाक। नमस्ते भाई, 4 कट्टा लिख रहा था सवेर में 7 बजे। और ये गाड़ियाँ बहुत पहले चलती थी हमारे यहाँ, इनमें सवारी जाती थी, मैं भी बैठा हूँ इन गाड़ियों में, पर अब वो बंद हो चुकी हैं। पुराने ज़माने की गाड़ियाँ जीप बोलते थे हमारे यहाँ उसको बहुत पहले। अब उन जीप की जगह पर हमारे यहाँ मैक्स चलती हैं और मैक्स भी कुछ साल पहले बंद हो गई हैं और अब चलती हैं उसकी जगह पर बोलेरो। तो बुलेरो काफ़ी अच्छी हैं पहाड़ों के लिए। महिंद्रा की मैक्स भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब रफ़ एंड टफ गाड़ियाँ। बाकी यहाँ सवारी पर्पज़ से और गाड़ियाँ ज़्यादा सक्सेस नहीं हैं पहाड़ों में। सामने बहुत भयंकर बारिश लग रही है। ओ अभी नहीं आई, वडलाधार से दूर है बारिश, थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा। सामने देखो गुप्तकाशी तो भयंकर लग रही बारिश। लेकिन पहाड़ों में एक चीज़ है कि जब बारिश आती है तो थोड़ी देर पहले अलर्ट टाइप का हो जाता है कि भाई बारिश आ रही है सामने वाली पहाड़ी से, पर शहरों में ऐसा है कि अचानक से लगती है मोटी सी बारिश, आदमी सीधा भीग जाएगा। अब जैसे हमको पता है कि उधर से बारिश इधर को आ रही है तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ा के जल्दी से घर पहुँच सकते हैं। तो चलिए जी फटाफट दौड़ते हैं अब घर की ओर। बरखा में अपन भी तो ये देखिए दोस्तों सामने से कितनी भयंकर बारिश आ रही है, भयंकर वाली भयंकर। मतलब बारिश की वजह से गुप्तकाशी कुछ नहीं दिख रहा है और यहीं सामने फाफंज गांव तक आ चुकी है बारिश। ये देखिए बस हम सही टाइम पे पहुंचे घर। ये देखिए बादल ऐसे उड़े जा रहे हैं ना, ये सामने देखिए बादल कैसे उड़ रहा है सौ करके, इनको देख के डर भी लगता है ऐसे। ये तो कुछ ज़्यादा ही बारिश लग रही है आज।